एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका खबरों बढ़ेंगे। आगे गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर विपिन कुमार सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोचिंग खोलने की अनुमति देने पर धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि कोचिंग खुलने से छात्रों का करियर एक बार फिर से उफान पर आएगा। साथ ही उन्होंने झारखंड को एजुकेशन हब बनाने के लिए सरकार के हर प्रयास में साथ देने का वादा भी किया है। विपिन कुमार सिंह से बात की है सहयोगी अजय लाल ने। कोविड-19 ने कोचिंग संस्थानों की कमर तोड़कर रख दी थी। लाख प्रयास के बाद कोचिंग नहीं खुल रहे थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने, राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। बावजूद इसके थर्ड वेव की आशंका भी है। इस वक्त हमारे साथ गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर विपिन कुमार सिंह जी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, कोविड-19 ने कितना परेशान किया आप लोगों को? निश्चित रूप से 2020 मार्च के बाद संस्थान, जो खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो पूरे तरीके से बंद था और बीच में कुछ मौका मिला भी, लेकिन छात्रों को हम वो जो पढ़ाई थी जिस लेवल पे जिस तरीके से देना चाहिए वो हम लोग नहीं दे पाए। ऑनलाइन के माध्यम से वो सारी चीज़ें दी जा रही थी, लेकिन बच्चों का सेटिस्फैक्शन लेवल जो आई कांटेक्ट के साथ दिया जा सकता है उसमें बड़ी कमी दिख रही थी। बिल्कुल, और ख़ासकर जो दिख रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे थे। निश्चित रूप से झारखंड सरकार बधाई के पात्र है, मैं आभारी हूँ। जानकारी मिली है कि गोल इंस्टीट्यूट ने पूरे कोरोना में ऐसे छात्रों की मदद की है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी तैयारी आप कहीं से भी पीछे हो नहीं होने दिया आपने? हमने ये कोशिश किया है, क्योंकि हमने देखा है सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके बच्चे सबसे ज़्यादा संख्या में गोल के साथ जुड़े रहे पिछले 25 वर्षों में, तो एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिन बच्चे और पेरेंट्स के कारण हम लोग का सम्मान और हमारा परिचय पहचान बना है, उन बच्चों की आज आर्थिक स्थिति अगर कुछ खराब हुई है तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ उसके मदद करें। हाँ, एक ज़रूर बात मैं बताऊँ कि हमारे शिक्षक भी बहुत परेशान हैं। बहुत सारे स्टाफ, जो 500 से ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सबको मिलाकर सबके तरफ से एक बात निकल कर आया कि उन छात्रों को जो मेधावी हैं, मेहनती हैं, जो अच्छा करने के जिनमें गुंजाइश बचा हुआ है, उसे अगर आर्थिक सपोर्ट दिया जाए, अगर उसके कारण कहीं वो खराब कर रहे हैं अपना, तो आर्थिक सपोर्ट देकर उसे उस जगह तक पहुंचाया जाए, उसमें मदद की जाए। युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बार ये कह चुके हैं कि मुझे एजुकेशन हब भी बनाना है रांची को, धनबाद को, जमशेदपुर को, क्या सहयोग आपकी तरफ से होगा, यानी कि इंस्टीट्यूट की तरफ से? निश्चित रूप से, चूंकि युवा हैं और नए सोच के व्यक्ति हैं और उनके अंदर एक एनर्जी है, उनकी बातों से ये निश्चित रूप से अनुमान लगता है कि वो शिक्षा के प्रति बड़े संवेदित हैं और संवेदना उनके अंदर है, छात्रों को बेहतर बनाना चाहते हैं, और मैं इसको दिल से स्वीकारता हूं और इसके लिए बधाई मुख्यमंत्री महोदय को। और साथ ही साथ अगर वो ऐसी बात सोच रहे हैं तो हम सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी में हम जैसे संस्थान को चार कदम आगे बढ़कर अपने सरकार की सोच में अपनी सहभागिता निभाने की कोशिश करना चाहिए, ईमानदार कोशिश करना चाहिए। ये साथ गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर विपिन कुमार सिंह साफ शब्दों में कह रहे थे कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यदि झारखंड को, रांची को एजुकेशन हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सोच है, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से गोल जैसी संस्था उनको हर संभव मदद करेगी। और एक अच्छी बात यह भी कि गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर ने कहा है कि यहाँ के छात्रों में क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें थोड़ा मानने की जरूरत है। कैमरन विशाल के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।